करता है। यहीं से एक जिम्मेदार लोक सेवक के दायित्वों का भली भांति निर्वहन करने के लिए वह स्वयं को योग्य बनाता है। और वर्दीदारी फोर्स के बारे में कहा जाता है कि जितना प्रशिक्षण में वह पसीना बहाएगा उतना चुनौती के समय खून बहाने की नौबत नहीं आएगी। यानी प्रशिक्षण के दौरान आपने जितनी मेहनत, परिश्रम और लगन के साथ अपने आप को साबित किया होगा, वह आगामी 30-35 वर्षों तक निरंतर आपको इस सेवा के लिए योग्यतम साबित करता रहेगा। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विगत 7 वर्ष के दौरान हमने प्रदेश में पुलिस प्रशिक्षण की क्षमता को लगभग 3 गुना किया है। मुझे जानकर के प्रसन्नता हुई कि प्रशिक्षण के दौरान यहां पर न केवल कानून व्यवस्था, विधि और मानवाधिकारों के बारे में बल्कि पुलिस रेगुलेशन, साइबर क्राइम, फॉरेंसिक साइंस इत्यादि से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी इन नए प्रशिक्षुओं को अवगत कराया गया, ताकि पुलिस बल की कार्यप्रणाली और वर्तमान की चुनौतियों का सामना करने और उस समस्या का समाधान करने में पुलिस को योग्य उप निरीक्षक प्राप्त हो सके। 1 जुलाई 2024 से 3 नए कानून लागू होने हैं। हमने राज्य सरकार के स्तर पर भी इसकी कमेटी गठित की है जो निरंतर उन कानूनों का अध्ययन करते हुए उन्हें चरणबद्ध तरीके से प्रदेश में लागू करने के लिए शासन और प्रशासन के स्तर पर क्या कुछ किया जाना है इस पर कार्य कर रही है। और मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि प्रशिक्षण के दौरान इन सभी प्रशिक्षुओं को इन नए कानून के बारे में भी यहां पर प्रशिक्षण दिया गया। ये नए कानून उन भावनाओं से जो दंड आधारित न होकर के न्याय प्रधान है, इन बातों को ध्यान में रख करके बनाए गए हैं। और ऐसे में जब हम बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से फॉरेंसिक साइंस और साइबर क्राइम का महत्व तो और भी बढ़ जाता है। हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्मार्ट पुलिसिंग के जो सूत्र बताए हैं उसमें उन्होंने स्टिक एंड सेंसेटिव, मॉडर्न एंड मोबाइल अलर्ट एंड अकाउंटेबल, रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिव, टेक्नोसेवी एवं ट्रेंड, यह सूत्र हमें कानून परिवर्तन के भविष्य के लिए निरंतर और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। जांच एवं दंड के पुराने तरीकों से आगे निकलकर आधुनिक फॉरेंसिक तकनीक और साक्ष्यों का उपयोग करना न केवल न्याय की दृष्टि से बेहतर है, अपितु इस प्रक्रिया से जांच में होने वाले अनावश्यक व्यय व श्रम को भी कम किया जा सकता है। इसे ध्यान में रख करके उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस की स्थापना की है। संस्थान का प्रथम शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो चुका है और विगत दिनों
इसका लोकार्पण भी संपन्न हुआ है। समय के साथ हो रहे निरंतर परिवर्तन के दृष्टिगत पुलिस अधिकारियों और कार्मिकों के लिए नए कानूनों आधुनिक तकनीकों के प्रयोग की जानकारी होना आवश्यक है। दक्ष, न्यायप्रिय, पारदर्शी, जवाबदेह व निष्ठा के साथ जनसेवा के प्रति संवेदनशील पुलिस बल की स्थापना में यह प्रशिक्षण बेहद कारगर सिद्ध होगा, यह मेरा अटूट विश्वास है। आप पुलिस बल में एक जिम्मेदार पद पर नियुक्त हो रहे हैं। जो ये पद है यह कानून का राज स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। अपराध नियंत्रण के साथ साथ कानून व्यवस्था को बनाए रखना और पीड़ित व्यक्ति को न्याय प्राप्त कराने में आप सबकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। और आपसे अपेक्षा है जनमानस की सुरक्षा, समाज में अमन चैन कायम रखते हुए एक मित्र पुलिस को की छवि को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए आप सभी अपना बेहतरीन योगदान देंगे। अपने कर्तव्य पालन के दौरान कठोरता के साथ साथ विनम्रता का अद्भुत सामंजस्य भी बनाए रखते हुए कर्तव्य परायणता, अनुशासन और सत्य निष्ठा का भी आप सफल उदाहरण स्थापित करेंगे। पुलिस सेवा में चुनौतियां कभी खत्म नहीं होती है। पुलिस बल को हमेशा मुकाबले में डट करके खड़े रहना अपने को कर्तव्य की वेदी पर अर्पित कर देना है। समाज तथा जनमानस में पुलिस की वर्दी को देखकर एक सुरक्षा विश्वास का भाव जागृत होता है। आपको उनके विश्वास को सही साबित करना है, उन्हें सुरक्षा प्रदान करना है। आपकी दक्षता, कर्तव्य परायणता ही किसी पीड़ित को उसकी स्वयं की पीड़ा से मुक्ति करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। उसके चेहरे पर एक नई मुस्कान ला सकती है। एक संवेदनशील पुलिस कर्मी के लिए शीर्ष आयामों की कोई कमी नहीं है। यदि वह चाहे तो अपने आचरण से जनमानस की कसौटियों पर खरा उतरते हुए अपनी कर्तव्य निष्ठा ईमानदारी का उदाहरण वह प्रस्तुत कर सकता है। किसी भी प्रदेश में सुशासन की नींव अपराधों की रोकथाम और कानून व्यवस्था की स्थापना से होती है। यह तभी संभव हो सकता है जब प्रदेश में उत्तरदायी पुलिसिंग व्यवस्था और व्यावसायिक रूप से दक्ष संवेदनशील पुलिस बल हो। सुदृढ़ कानून व्यवस्था हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए हमारी सरकार की अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए वर्तमान में राज्य सरकार ने पुलिस रिफॉर्म और पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 7 वर्ष में दुनिया के सबसे बड़े पुलिस बल में हमने 1,60,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती सफलतापूर्वक संपन्न किया है, तो साथ ही 1,56,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों को प्रोन्नति भी प्रदान की है। राज्य सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति उत्तर प्रदेश पुलिस बल के द्वारा पिछले 7 वर्ष के अंदर किए गए बेहतरीन कार्यों का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर प्रत्येक क्षेत्र में अपने आप को बेहतर साबित करने में
और अपना परसेप्शन दुनिया देश और दुनिया के सामने बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत करने में सफल हुआ है। पिछले 7 वर्ष में प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ, संगठित अपराध लगभग समाप्त हो चुका है, सभी प्रकार के बड़े आयोजन, पर्व और त्योहार, अति विशिष्ट महानुभावों की यात्राएं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए हैं। अयोध्या में प्रभु श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का प्रबंध भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, जिसकी सर्वत्र सराहना हुई। आज प्रदेश की कानून व्यवस्था इन्हीं प्रयासों के कारण देश के अंदर एक नजीर बनी है। रूल ऑफ लॉ की स्थापना से देश विदेश में प्रदेश के बारे में धारणा बदली है। प्रदेश को इस नई धारणा का श्रेय काफी हद तक उत्तर प्रदेश पुलिस बल के जवानों के द्वारा किए गए प्रयास उनमें महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। आज उत्तर प्रदेश पुलिस ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी कर्तव्यों को सर्वोपरि मानकर अपराधों पर नियंत्रण करने, कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने, प्रदेश में सामाजिक सौहार्द की स्थापना करने में जिस सराहनीय भूमिका का निर्वहन किया है, इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश पुलिस बल को हृदय से बधाई देता हूं। प्रदेश सरकार की मंशा है कि राज्य पुलिस बल एक तक्ष अत्याधुनिक तकनीकों से लैस तथा प्रत्येक कसौटी पर खरा उतरने वाला एक बल हो। दीक्षांत समारोह के पश्चात आप विश्व के सबसे बड़े गौरवशाली पुलिस बल का हिस्सा बनने जा रहे हैं। एक बार पुनः सभी प्रशिक्षुओं और उनके परिवारजनों को मैं हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी नव प्रशिक्षित उप निरीक्षकगण के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आप अपने आप को साबित करेंगे, इस विश्वास के साथ मैं आप सब के प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।